दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों नेशनल क्रश रश्मिका ने शुभमन गिल को सरेआम प्रपोज कर दिया, जिसके बाद चारों तरफ बवाल मचा हुआ था। तो वहीं रश्मिका की इस हरकत पर गिल की गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर गुस्से से आग बबूला हो गई और रश्मिका मंदाना को जमकर फटकार लगाते हुए उन्होंने जो कुछ कहा उनकी बातें सुनकर आप भी कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर क्या है यह पूरा वाक्य, कैसे गिल और सारा के बीच हुई रश्मिका की एंट्री और क्या कुछ कहा है सारा तेंदुलकर ने, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल और ईशान किशन में से सबसे खूंखार बल्लेबाज कौन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों शुभमन गिल का नाम यह सितारा क्रिकेट जगत में तो बहुत चमक रहा है, उन्होंने अपने बल्ले की गरज से बहुत अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन दोस्तों जितना शानदार गिल का क्रिकेट करियर रहा है उससे भी अधिक इंटरेस्टिंग उनका निजी जीवन रहा है, जिसमें आए दिन किसी न किसी नए शख्स की एंट्री उनके फैंस को हैरान परेशान कर देती है। जी हाँ दोस्तों, अपने करियर की शुरुआत से ही शुभमन गिल का दिल सारा तेंदुलकर पर आया था। पहले दिन से उनका नाम सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ जुड़ा हुआ है और आज तक इन दोनों के अफेयर की खबरें फैंस की जुबान पर चढ़ी हुई है। हालांकि ना ही गिल और ना ही सारा ने इन अफवाहों पर मोहर लगाई, लेकिन यह दोनों उसके बावजूद सभी के पसंदीदा कपल हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच सब कुछ सही नहीं रहा, लेकिन क्योंकि हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थी कि शुभमन गिल सारा तेंदुलकर को नहीं बल्कि नवाब सारा अली खान को डेट कर रहे हैं, इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया था और सारा के नाम से शुभमन गिल जमकर ट्रेंड हुए थे। लेकिन अब गिल और सारा के पैर के बीच साउथ की मल्लिका रश्मिका मंदाना एंट्री मारी है। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों के लव ट्रायंगल फैंस को कंफ्यूजन और रोमांच दोनों से भर दिया है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह मामला क्या है। दरअसल हालिया इंटरव्यू में जब शुभमन गिल से उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बिना कुछ सोचे रश्मिका मंदाना का नाम ले लिया। इसके बाद तो इन दोनों का नाम जुड़ना लाजमी ही था। उसी समय से इन दोनों के बीच अब कोई रिश्ता होने की खबरें जोरों पर है, लेकिन अब ऐसी खबर निकल कर आई जिनको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, सामने आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना ने बातों ही बातों में सुपरस्टार शुभमन गिल को प्रपोज कर दिया। इस पर किसी को अब तक भरोसा नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही यह बात सारा तेंदुलकर को पता चली वह गुस्से से आग बबूला हो गई। जी हाँ दोस्तों, भले ही रश्मिका ने यह प्रपोजल शायद मजाक में किया था, लेकिन उनकी सरकत पर सारा तेंदुलकर का रिएक्शन देखने लायक था। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था और ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे का रंग उड़ गया है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इसके बाद उन्होंने उनसे पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि यह उनका निजी जीवन अलग है और गिल का निजी जीवन अलग है, वह दोनों अपने लाइफ में क्या करते इससे उन्हें एक दूसरे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो लोग उन दोनों के बारे में बात करना बंद कर दे। जी हाँ दोस्तों, सारा तेंदुलकर ने तो कुछ भी कहने से साफ साफ इंकार ही कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है शुभमन गिल की गर्लफ्रेंड है कौन, सारा तेंदुलकर, सारा अली खान या फिर रश्मिका मंदाना, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।